सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के एंड्रॉइड 15 अपडेट के बारे में। कौन कौन से फोन कैपेबल होंगे जिसके अंदर एंड्रॉइड 15 आएगा, इवन गाइस इसका डेट क्या है रिलीजिंग का, तो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा डेमो करते हैं, आपको दिखाते हैं एंड्रॉइड 14 जो है कौन कौन से फोन में आने वाला और किन फीचर्स के साथ आने वाला है। वेल गाइस, फोन के अंदर एंड्रॉइड 15 लिस्ट देखने के लिए सबसे पहले तो हम इनकी ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। इन्होंने उस पर एक लिस्ट शेयर किया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे फोन्स को इन्होंने मेंशन करा, इवन वाइस रिज का भी फोन है, ये इंटरेस्टिंग है। तो अभी इनकी ऑफिशियल साइट पे चलते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर डायरेक्टली आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर इसको प्रेस करना और ये इन्होंने यहाँ पर प्रेस रिलीज का ऑप्शन दिया है और यहाँ पर ये साइट है और इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी सारी चीज़ों आर्टिकल्स वगैरह बना के रखा। और यहाँ पर अगर प्रेस करते हैं इनके प्रोडक्ट वगैरह आप देख पाएंगे, ये स्टोरी वगैरह जो भी देखना है, स्टोर वगैरह देखना यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इसके लिस्ट की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर फीचर क्या आएगा, अभी आपको यहाँ पर ये अपडेट में इन्होंने बताया कि बीटा वर्जन रिलीज हो रहा है, फोल्ड वाले फोन के अंदर मिल चुका है, एक्स सीरीज में भी आपको काफी सारे फोनों में देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पर आएंगे तो इसके अंदर क्या चीजें हैं, इन्होंने सारा कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर क्राफ्ट योर ओन डिजिटल स्पेयर्स है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे करके काफी सारी इन्होंने टाइटल दे के रखा हुआ है। इसको अगर हम पढ़ने लगेंगे तो आई थिंक काफी टाइम हो जाएगा और वीडियोस काफी लंबी बन जाएगी। तो मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ कि जिस तरीके से एंड्रॉइड 14 के अंदर कंट्रोल सेंटर वगैरह चेंज हुआ था और कुछ बेसिक चीजें लाइक यहाँ पर स्मॉल विंडो वगैरह, स्मार्ट साइड बार वगैरह आया था, ये सब कुछ इसके अंदर नहीं होने वाला है। कुछ नॉर्मल सी चीजें चेंज होगी, बहुत हाई नहीं होगी। मैं आपको बता दूँ वाई सीरीज के फोनों में वैसे भी एक कैपेबिलिटी जो नहीं होती है, दो तरीके के रिलीज होते हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है। एंड्रॉइड 9 से जब 10 में जाता है फोन, अगर वो न्यू डिवाइस के साथ है तो उसके अंदर फीचर चेंज किए जाते हैं, बट अगर वो पहले से सेकेंड वाला यहाँ पर स्टेबल वर्जन दिया जाता है, जैसे कि 8 से 9 हुआ, 9 से 10 होगा, तो सिर्फ उसका एंड्रॉइड वर्जन बढ़ता है, उसके अंदर फीचर नहीं आता। तो सेम आई थिंक उसी तरीके से अभी वर्क करेगा, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं और घुमा फिरा के बात करें तो उसी चीज़ों को सिर्फ यहाँ पर एक तरीके से इम्प्रूवमेंट है और कुछ एक्स्ट्रा फीचर आता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लिस्ट की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर एक लिस्ट शेयर करा हुआ है, ये देख सकते हो, मैं जूम थोड़ा सा करता हूँ। एक्स फोल्ड में आपको देख सकते हो काफ़ी सारे फोनों में रूल आउट हो चुका है इसका ट्रायल वर्जन, बिकॉज अभी बहुत सारे फोनों में नहीं आया है, तो अक्टूबर आई थिंक चल रहा है तो इस तक मिल जाएगा। और यहाँ पर एक्स 90 प्रो की बात करें तो ये मिड नवंबर तक आपको सबको मिल जाएगा और यहाँ पर देखेंगे तो दिसंबर में आपको V40 प्रो ऐसी सारी चीज़ें हैं तो इनमें मिल जाएगा। मैंने बताया था वाई सीरीज की बात करी थी तो वाई सीरीज के अंदर भी Y300 और Y200+ 5G और T3X 5G इन सभी फ़ोनों के अंदर भी आ रहा है। Y56 और Y28 यहाँ पर इन्होंने इसको भी मेंशन किया होगा तो डेफिनेटली इसमें भी आएगा। बट मैंने जैसे बात करी थी ये तो कुछ है इस तरीके से बेसिक चीज़ें, मैं किसी एक डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको इसके फीचर्स वगैरह को बताऊंगा क्या चीज़ें आने वाली है, कोई न्यू चीज़ आएगी इसके अंदर या फिर वैसे सारी चीज़ें मॉडिफाई होगी, वो चीज़ किसी चीज़ में देखेंगे। हालांकि आप इसका जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो मैंने अभी दिखाया या फिर डायरेक्टली इनके साइट पर चेकआउट कर सकते हो। आई थिंक समझे होंगे कौन कौन से फ़ोन कैपेबल थे एंड्रॉइड 15 के लिए। एंड अगर आपको भी आपके फ़ोन के बारे में जानना है तो अपने फोन का मॉडल नंबर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं एक डेडिकेटेड प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा वाई सीरीज और टी सीरीज के ऊपर कि इनमें कौन कौन से फोनों में ये एंड्रॉइड 15 जो है आने वाला है।